हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो और स्वागत है आपका रेसिडेंट इविल विलेज के गेम प्ले वीडियो में। और आज हम लोग एक ऐसे सफर पे जाने वाले हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा मजा, डर और थ्रिल एक साथ मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस सफर में ना हमें बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। तो पहन लो अपने हेडफोन्स और ईयरफोन्स, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, विलेज ऑफ शैडोज। अ यंग गर्ल वेंट विद हर मदर टू पिक बेरीज फॉर हर फादर। ओके, एक बच्ची अपनी माँ के साथ जंगल में बेरीज कलेक्ट करने को गई है। और भैया ये फॉरेस्ट ना बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन वो बच्ची अपने माँ से अलग हो गई बेरीज कलेक्ट करने के चक्कर में, और ये बिछड़ते जा रही है। और भाई ये कहाँ कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे देखो कितने अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे एक बैट जैसा मॉन्स्टर, He greeted her warmly और इसने अपने पंख को काट दिया जहाँ से येलो कलर का ब्लड आया, और इस लड़की ने उसका ब्लड ड्रिंक कर लिया। ओ भाई, स्टोरी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट ये अपने माँ से अलग क्यों हो गई? ओके, यहाँ पे एक और मॉन्स्टर जो कि इसे कपड़े सिल के दे रहा है एक गिफ्ट के तौर पे। Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Bhai, goosebumps aa rahe hain yahan pe to. Across waters deep and ominous she went. Yahan pe ek fish monster jiski yahan pe bahut sari eyes hai. Aur ye bhi lagta hai isko kuch gift dene wala hai. Ye dekho ye ladki. Then the fish king appeared. Okay, fish king hai ye. Aur jo ki apna ek fin de raha hai isko. Come, child, eat your fill. ये अपना फिन उसे खाने को बोलता है, और ये भी चला गया उसको गिफ्ट देके। ओके भाई, और यहाँ पे एक हॉर्स आ गया है। उसने इसको गिफ्ट देने को नहीं बोला, बट वो खुद ही मतलब उसने, और ये गुस्सा हो चुका है, और सारे मॉन्स्टर इसके ऊपर गुस्सा हो चुके हैं। इसको लगा कि वो हॉर्स भी उसको एक गिफ्ट देने वाला है, बट वैसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे एक विच आ चुकी है, और क्या होने वाला है? ओके गाइस, तो यहाँ पे ना असल में वो कोई स्टोरी थी जो कि मेरी वाइफ हमारी यहाँ पे छोटी सी बच्ची को वो स्टोरी सुना रही थी। मेरे को लगा आगे कुछ होने वाला है, बट यहाँ पे तो सीन ही अलग है। वो सो चुकी है गाइस, स्टोरी सुन के वो सो चुकी है, उसे कुछ समझ भी नहीं आया होगा। कितनी क्यूट सी छोटी सी बच्ची है जो कि यहाँ पे सिर्फ 6 महीने की है। भाई इसको आप देखो कितनी छोटी है, और ये इसे विलेज ऑफ शैडोज की स्टोरी सुना रही थी। भाई साहब, ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं जो कि मैं अभी आपको समझा दूंगा। We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. भाई ये तो गुस्सा हो गई। मैं इसे बोल रहा हूँ कि वो छोटी सी बच्ची है, वो तुम्हारी स्टोरीज भी नहीं समझ पाएगी, लेकिन मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा हो रही है। कोई बात नहीं। ओके, तो ये मुझे बोल रही है अपने डॉटर को बेड तक ले जाओ और उसे सुला के आओ, तो मैं इसे बड़े प्यार से लेके जाऊंगा और अपनी डॉटर जिसका नाम रोज है उसको सुला दूंगा। और तब तक मेरी वाइफ खाना बनाने जा रही है, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। फाइनली यहाँ पे कंट्रोल्स आ चुके हैं। ना ना, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन गाइस हमारा घर देखो कितना ज्यादा प्यारा है। आज वो थोड़ा सा घर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे विंडोज है। ओके, यहाँ पे हमारा एक टीवी है जिसको अपन ऑन कर सकते हैं क्या? ओके, वो इसमें छोटे बच्चों का शो आ रहा है जो कि मैं अपनी बेटी को दिखा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं। अपने घर को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। भाई घर तो काफी ज्यादा प्यारा है, घर आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक फोटो रखी है। ये तो बच्चे की बुक है जो कि मेरे रोजू की है। मैं इसे रोजू बुलाऊंगा गाइस, ये मेरी छोटी सी बच्ची। चलो अपनी वाइफ के पास चलते हैं। इसने मुझे बोला है कि बच्चे को ऊपर रख के आओ, बट एक ओके 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 ओके, तो एक काम करता हूँ, शायद से हमारा कमरा ऊपर है, जाके अपने रोजू को ऊपर रख के आ जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कहानी में आगे क्या होता है। आई होप आपको मजा आएगा गाइस। इस स्टोरी में ना बहुत ज्यादा फाइट वगैरह होती है, और बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटेंस सिचुएशंस हो जाती है, लेकिन तुम्हारा भाई जो कि एक अच्छा डैड है और साथ ही साथ एक हीरो है। ओके, मेरी रोजू यहाँ पर रो रही है और मैं इसे ठपकी दे रहा हूँ। मैं सीढ़ियां चलने लगा तो वो थोड़ी सी उठ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आराम से इसको जाके ना इसके कमरे में रख देता हूँ, शायद से ऊपर ही इसका कमरा है।
ओके मुझे कहाँ जाना है पहले आगे चेक कर लेता हूँ. Almost there, honey. ओके ओके यहीं पे इसका कमरा है और यहाँ पे एक ही डोर है तो यही होगा इसका कमरा. ओके मैंने इसको खोल दिया और यही है इसका कमरा. यहाँ पे देखो इसके खिलौने मुझे दिख चुके हैं. एक बेड है और ये रहा ये छोटा सा पालना जिसमें इसको रखना है. ओके मैं रख देता हूँ इसको. go, भाई sweetheart. कितनी सी इसने स्वेटर पहना हुआ है और ये कितनी ज्यादा क्यूट right है. और वहां पे लगा हुआ है बेबी कैम जिसे हम लोग बेबीज को देखते हैं रात को. ओके इसने ऑन कर दिया है और इसे सुला दिया है. और गाइस शायद से ना हम लोग एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं मिलिट्री में तो फिर आप समझ सकते हो. अभी फिलहाल मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ. घर को आपने अच्छे से एक्सप्लोर तो कर ही लिया है और ऊपर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है. सामने की तरफ एक डोर है जिसको आपने एक बार खोल के देख लेते हैं. ओके तो ये बाथरूम है. ओके आ जाओ अपनी वाइफ के पास चलते हैं. वहां पर ऊपर बाथरूम था जहां पे ना कुछ टाइप के ड्रग्स वगैरह पड़े थे बट उसके बारे में कुछ बताया नहीं हमको. ओके गाइस तो हम लोग डिनर के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पे इनके आपस में थोड़ी सी अंधभन चालू है मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह को लेके कि तुम मतलब इसको समझने के लिए ना थोड़ी पीछे की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी. आपस में लड़ रहे ये लोग. Think we can just forget about what happened in Louisiana? भाई बात यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिख रही है मेरे को. I don't understand why you are so. पता नहीं क्यों. भाई गोली लगी हमें. Mia, get down. नीचे बैठ, नीचे बैठ. अंधेरा हो चुका है. What? Mia. भाई मेरी वाइफ को. भाई मैं नहीं देख सकता ये पूरा ना गोलियों से उड़ा दिया गया है और पूरे घर. भाई मेरी बच्ची कैसी है. रोजू कैसी है. मेरी वाइफ गाइस मर चुकी है और सामने से एक आदमी आ रहा है. शायद से इसको हम जानते हैं. इसने अभी इसका नाम भी लिया था. भाई ये इंसान है कौन. क्रिस. इसका नाम क्रिस है. सॉरी ईथन. इसको हम जानते. अब कितना मारेगा उसे. भाई उसे मारे जा रहे और ये पूरी टीम के साथ आया है गाइस. और ये लोग ना गाइस यहाँ पे शायद से मुझे लेके जाने वाले हैं. ओके गो मूव. धक्का मत मार. भाई मेरी रोज. मेरी रोजों को लेके जा रहे गाइस ये लोग. व्हाट द हेल यू डूइंग विद माय डॉटर. पैकेज सिक्योर सर. इन्होंने मेरे वाइफ को मार दिया और मेरी बच्ची को लेके जा रहे हैं. ये जो आदमी आप देख रहे हो उसका नाम क्रिस है और ये पता नहीं क्या कर रहा है. और हमको यहाँ पे ऑफ कोर्स बेहोश कर दिया गया है. पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है गाइस. और यार मेरी बच्ची. ओके गाइस तो इन्होंने ना मुझे यहाँ पे फेंक दिया है और चारों तरफ यहाँ पे बस बर्फ है और कोहरा है. ये देखो ये गाड़ी जो पलटी हुई है. और जब हम लोग ना यहाँ पे बात कर रहे थे जब डिनर के टाइम तो जब ये लड़ रहे थे इसकी वाइफ और ये मतलब ईथन बोल रहा था कि यहाँ पे ना उसको अच्छा नहीं लग रहा कि क्रिस भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और कुछ गड़बड़ को लेकर. और तभी हमारी वाइफ हम पे गुस्सा होती है और तभी हमारी वाइफ पे गोली चलती है. तो पता नहीं ये क्या सीन है लेकिन अभी फिलहाल मेरे को अपनी रोजू को बचाना है कैसे भी करके. यहाँ पे देखो भाई काफी ज्यादा अंधेरा है और हर जगह ना पूरा जंगल इलाका है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. बस मेरे को आराम से चलते रहना है आगे क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है गाइस. भाई कुछ आवाजें से आ रही है मेरे को. आगे से कुछ आवाज आई. बहुत ज्यादा अंधेरा है गाइस. ओके शायद से मेरे को यहाँ पे बैठ के जाना पड़ेगा. ओके हाँ. अरे अपने हाथ से उसको ऊपर कर. लग गई हाथ से ही ऊपर कर रहा है. भाई खड़े हो जा. भाई अभी भी हम लोग पूरे जंगली इलाके पे है. थोड़ा सा यहाँ पे दिन हो रहा होता तो डर नहीं लगता. भाई ये तो बहुत ही गलत एरिया है. यहाँ से ना भाई जल्दी भागना पड़ेगा. बहुत ज्यादा गलत एरिया गाइस ये. और यहाँ पे देखो बहुत सारे क्रोज की डेड बॉडी पड़ी है. भाई साहब निकलने दो मेरे को यहाँ से. यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे कितने सारे कौवे मरे पड़े हैं भाई. और ये देखो इनको लटका भी रखा है. ओ भाई साहब यहाँ से जल्दी भागो. जल्दी यहाँ से निकलते अपन. ओए अरे ये तो जिंदा है. भाई निकलो यहाँ से. बहुत गलत इलाका है गाइस ये. निकलो जल्दी. हम लोग थोड़ा सा नीचे हुए. कब पहुंचेंगे हम लोग. अभी तक जंगल में ही है. भाई कोई तो है सामने की तरफ. मेरे सामने से कोई तो भाग के गया. भाई वो कौन है. रुको मेरे को उसका पीछा करना पड़ेगा. मेरे सामने से जस्ट अभी कोई भाग के गया. आई डोंट नो वो कौन था बट मैंने उसके बस पैर देखे. यहाँ पे एक ब्रिज है. मेरे को संभल के जाना पड़ेगा आसपास से मैं गिर ना जाऊँ.
सीधा सीधा बढ़ता हूँ गाइस। बस हमें आगे पता चल जाएगा कि क्रिस से इतनी बड़ी क्या दुश्मनी थी। ओके फाइनली यहाँ पे कैबिनेट है जिसका दरवाजा है यहाँ से, आ जाओ इसके अंदर चलते हैं। बहुत टाइम बाद एक घर दिखा है, कब से मैं जंगलों में यहाँ पे भटक रहा था। ओके ये तो मतलब वीरान सी जगह है, यहाँ पे कोई रहता नहीं शायद। ओके यहाँ पे ड्रॉअर पे कुछ है, लेट्स सी इसके अंदर कुछ मिल जाए मुझे, बैंडेज वगैरह काम का, या फिर मुझे गन मिल जाए। ओके यहाँ पे देखो रस्सी वगैरह रखी है, पता नहीं इनका क्या सीन है। सिंक में पानी आ रहा है क्या, मेरे को देखने दो, थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी रोजू को इस तरीके से गंदा होके मिलने नहीं जाऊंगा गाइस, मैं अपनी रोजू को उस क्रिस से बचा के रहूंगा। पता नहीं क्या सीन है, क्रिस ने हमारी वाइफ को मार दिया पहले तो वो हमारे एरिया में शिफ्ट, ओके हमारे एरिया में शिफ्ट हुआ, उसके बाद उसने सीधा अटैक कर दिया अपने गैंग के साथ। इस कबर्ड में कुछ है, कुछ पुराने कपड़े और कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो कि किसी काम के नहीं। यहाँ पे एक फोटो है, आगे बढ़ते रहते हैं गाइस। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे इस साइड को जाना है। ओके हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं और नीचे से ना आवाजें आ रही है किसी के बंद होने की, ऐसा लग रहा है किसी को अलमारी में बंद करके रखा है ये अलमारी। ओके इसमें तो कोई नहीं है, आगे कोई अलमारी है क्या, मेरे को चेक करने दो गाइस। ये देखो एक फोटो पड़ी है जो कि पता नहीं किस काम की है और पता नहीं किसकी फोटो है। भाई भाई बहुत ज्यादा अंधेरा इधर। ये देखो एक अजीब सा मार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी अलमारी से या फिर ऐसा लग रहा था कोई। ओह ये देखो इधर से ये आवाज आ रही है, आ जाओ इसको ओपन करते हैं, इसमें कोई बंद हो सकता है गाइस। यहाँ पे एक चूहा था जो कि कब से आवाज कर रहा था, मुझे लगा कोई होगा बट चलो। भाई पूरा घर गिरने लग गया है यहाँ पे, लगता है मेरे को निकलना पड़ेगा, बहुत गलत एरिया में मैं घुस चुका हूँ फिर से। इससे पहले ये घर मेरे ऊपर ही गिर जाए, यहाँ से ना गाइस कट लेते हैं, आ जाओ इधर से बाहर निकलते हैं। मुझे कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली, मेरे को लगा था कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, और भाई कुछ तो गिरा, मेरा रास्ता बंदा हुआ हो बस। ओके मेरा रास्ता बंद हो गया, क्या पता मैं नीचे से निकल जाऊँ। और यहाँ पे ये खून कहाँ से आया, पहले यहाँ पे कोई खून नहीं था गाइस, हम लोग जब यहाँ से अंदर गए थे ना बेसमेंट की तरफ तब कोई खून नहीं था, अभी अचानक से यहाँ पे इतना सारा खून आ चुका है, पता नहीं ये कहाँ। ये देखो इतना सारा खून यहाँ पे आया किधर से, मैं तो अपने साथ लेके नहीं आया था, और ऐसा लग रहा है किसी को घसीट के ले जाया गया यहाँ से। पता नहीं भाई आगे क्या क्या होने वाला है, और थोड़ा सा बाहर उजाला हो चुका है, चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे थोड़ा सुकून मिला। फाइनली यहाँ पे गाइस थोड़ा उजाला हो चुका है, और ये घर की बैक साइड है, हम लोग फ्रंट साइड से घुसे थे, पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ से ना इसको टाप के मैं आगे आ चुका हूँ, हम लोग मतलब घर के फ्रंट से घुसे और बैक से इस साइड निकल गए, और अंदर खून भी पड़ा था तो वहाँ पे ना कुछ तो हुआ था जो कि अभी अपने को कुछ पता नहीं है, हम भी कंफ्यूज है कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। और मुझे ना अपने लेफ्ट साइड से अजीब सी आवाज़ें आ रही है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। भाई ये देखो हम लोग ना विलेज की तरफ इंटर हो चुके हैं, और ये बहुत खतरनाक जगह है भाई, मेरे ख्याल से क्रिस वहीं पे रहता है और मुझे वहीं जाना है। आ जाओ गाइस यहाँ से नीचे घिसट्टी मार के मैं आ चुका हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, और यहाँ पे एक हॉर्स की डेड बॉडी पड़ी है, पता नहीं इसको किसने मार दिया। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा सा ना 720p पे देखो तो आपको ग्राफिक में जो ही मजा आएगा। और इस घर के अंदर चलो भाई, इस घर के अंदर मैंने देख लिया यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मेरे को कोई दिखा था जाते हुए बट पता नहीं वो कहाँ चला गया। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी घर है, डू नॉट एंटर लिखा है और ये लॉक्ड है, इसको खोलने के लिए कुछ लगेगा क्योंकि तो ये लॉक्ड है और ये नहीं खुल रहा है। रुक जाओ इस घर के अंदर चलते हैं, ये घर का दरवाजा खुल नहीं रहा है। अच्छा ये दरवाजा है, मैं वहां से कहाँ घुस रहा था फिर, और ये तो पूरा तबाह हो चुका है, अंदर मुझे क्या ही मिल सकता है। आवाज तो यहाँ पे आ रही है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही, जैसे मेरे आसपास कोई पक्का है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है, या तो वो मुझे चेस कर रहा है या तो मुझे स्टॉक कर रहा है, पता नहीं क्या सीन है बट कोई तो है जो मुझे देख रहा है और वो छुपने की कोशिश कर रहा है जिससे आवाजें आ रही है। गाइस मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्राफिक्स को लो कर दिया है क्योंकि यहाँ पे रूम में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उसकी वजह से मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया था, इसलिए मैंने थोड़े ग्राफिक्स कम कर दिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत ना, सामने एक घर है जहाँ पे लाइट जल रही है तो यहाँ पे कोई होगा पक्का, यहाँ पे कोई हमें मिल जाएगा जो हमारी हेल्प कर सकता है। आ जाओ इस घर का दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे मुझे साइड से कुछ आवाज आई, बट यहाँ पे एक नाइफ है, फाइनली एक हथियार हमें मिल चुका है जिसको मैं रख लेता हूँ।
ओके, तो मैं ऐसे अटैक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ना। यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे पर्दा है, पर्दे के पीछे कौन है? लेट्स सी। मैं पर्दा हटा रहा हूँ गाइस, कोई है क्या? है तो भाई बाहर आ जाओ। अरे ये तो शूट कर रहा है, इसके पास गन है। ओके, मैं इसे समझा रहा हूँ कि मैं फ्रेंडली हूँ। There was an accident down on the road and What's going on? भाई यहाँ पे ना ये मुझे शांत करा रहा है क्योंकि आपको आवाजें आ ही रही होंगी। Oh, no. कुछ तो गड़बड़ है आजू बाजू पक्का। हाँ कोई तो आ रहा है गाइस, किसी से तो हमारी फाइट होने वाली है। मेरे पास गन नहीं है, मैं क्या करूं? अरे नहीं है भाई, गन नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक गन दे दो। ऊपर से कोई आ रहा है गाइस। ओके सिचुएशन बहुत ज्यादा। ओके ओके फाइनली ये मेरे को एक गन दे रहा है। मेरे को गन मिल चुकी है, चलो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है। अरे इसको कोई पकड़ के ले गया। What? मुझे लगा था ये मेरी हेल्प करेगा बट, और ऊपर से खून भी गिर रहा है। इसको कोई पकड़ के ले गया और इसे पूरा खा चुका है, और मुझे भी कोई नीचे से खींच गया। गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ, बेसमेंट में मैं गिर चुका हूँ। पूरी स्क्रीन में अंधेरा छाया हुआ है भाई। यहाँ पे सही में डेड बॉडीज पड़ी है भाई, यहाँ पे ना डेड बॉडीज पड़ी हुई है। ये जिंदा है क्या? लेट मी चेक। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे मरे हुए, मतलब हर किसी को नीचे खींच के मारा गया है। खाली मैं यहाँ पे बच गया, मेरा लक इतना ज्यादा अच्छा था। और हो सकता है कि तुम्हारा भाई काम भाई इन सब से नहीं डरता, इसलिए वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ओ भाई मैं तो इसी से डर गया। बहुत सारी बॉडीज है गाइस यहाँ पे, दर्जन। और ओ भाई ये कौन है? और ये मेरी उंगलियां काट। भाई मुझे जिंदा छोड़, इसने मेरे हाथ को काट के बाहर फेंक दिया। भाई भाई ये बहुत ज्यादा अजीब है। वो है कौन? इसको मारना पड़ेगा। मेरे पास गन है, होपफुली मेरे पास गन है। जल्दी से इसको मारना है। ओके भाई ये तो डॉज कर लेगा। ये ले कंट्रोलर से बहुत ज्यादा हार्ड है। नहीं नहीं, अरे यार मेरे पास एक गोली बची है। रिलोड कर जल्दी मार इसको। अरे यार इसको फिर से पकड़ लिया। ये मुझे मार ना देगा, इस कंट्रोलर से एम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके गाइस फाइनली मार दिया इसको। भाई कंट्रोलर से एम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये था कौन? ये अचानक से वहां निकला और इसने मेरे हाथ को काट लिया। भाई यहाँ पे ना मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे ही हजारों आएंगे जिनसे मुझे अकेले फाइट करनी पड़ेगी, और एम करने में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मैं एक बार घर चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ काम की चीज यहाँ से मिल सकती है। ओके तो यहाँ पे ओके ये मिल गया मेरे को, जिसे करना क्या है? यहाँ पे कोई गेट वगैरह होगा, सामने की तरफ एक गेट है शायद, ये लॉक्ड है और इसी को खोलना है। हाँ इसी को खोलना है, आ जाओ। ओके ये रहा, ले भाई इसको काट। जल्दी से इस गेट को खोल और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पे अगर और मॉन्स्टर्स आ गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके सामने की तरफ एक घर है और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 3 एमओ है और कुछ भी नहीं है, मुझे एमओस को फाइंड करना पड़ेगा। भाई यहाँ से साउंड आ रहा है, ये रेडियो बज रहा था, मुझे लगा कोई तो है, कोई दरवाजा ठोक रहा है। गाइस मुझे क्या करना चाहिए? ओके गाइस मैंने यहाँ पे चाकू सिलेक्ट कर लिया है और आवाज तो यहाँ से आ रही थी बट ये इसे हटा नहीं पाया। ऊपर चलते हैं। ओए भाई सीढ़ियां कमजोर है और कुछ नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है गाइस, डोंट वरी, मेरे को बस एमओ दे दो। ये फ्लूइड मिला है जिससे पता नहीं क्या होता है। ओके गाइस एमओ। भाई अब ना ये आ जाएगा, मैं चाकू से ही फाइट करूंगा, चाकू से। भाई ये कहां से आएगा? ऊपर से। ये है किधर? अरे यार ये अंदर कैसे आ गया? मार इसको मार।
ये अंदर आ चुका है गाइस। भाई मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, और ये मर भी नहीं रहा है। भाई मैं इसको कितनी गोलियां मारूं, मेरी गोलियां खत्म हो जाएगी यहाँ पे तो। भाई ओके, हेडशॉट में मर जा रहे हैं। चलो कोई बात ना, मेरे को एक हर्ब मिला है। ओके फाइनली यहाँ पे शांति होना शुरू हुई है। और वो रेडियो कैसे ऑन हो रहा है बार बार, इसको बंद करो। ओके मुझे ये बोल रही है कि अगर कोई बचा है तो जल्दी से लूजीज हाउस के पास आ जाओ, शायद से मुझे वहीं जाना पड़ेगा। रुको 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 भाया, एक ही दिन में पूरी स्टोरी जान लोगे क्या? अभी देखो वहां पे ना रेडियो पे एक आवाज आई जिसमें लड़की बोल रही थी कि अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो वो लूजीज हाउस के पास आ जाए, जो कि एक फील्ड यानी कि खेत के अगल बगल होगा। तो अगले एपिसोड में हम लोग वहां जाएंगे और देखते हैं वहां पे क्या सीन है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।